बचाने की बात है सर। सर आप सड़क बना रहे हैं, अपराधी घर के बाहर गोली मार कर चले जा रहे हैं, रुपेश हत्याकांड के साथ अपराध की तुलना मत करिए। अपराध पर जितनी कार्रवाई हो रही है इसको भी भूलिए मत। और ये दुखद है कि किसी की हत्या होती है, और आप जान लीजिए कि हत्या का कोई ना कोई कारण तो होता ही है, और उसी को पुलिस लगती है पूरे तरफ से इन्वेस्टिगेट करने में, और उसके बाद उस सही आदमी को जो अपराधी है उसको पकड़ लेती है। तो अभी जो घटना घटी है उस पर जिस तरह से काम हो रहा है, जैसे ही घटना घटी है हमने खुद डीजीपी से पूछा और बात किया, ये लोग स्पेशल टीम बना कर देते हैं। लेकिन आप जान लीजिए कि ये किसी से परमिशन लेकर के करता है, और आपको किसी को मालूम है? अगर मालूम है तो बताइए। अगर कहीं से भी पता चले कि किसका मर्डर किसने किया, आपको अगर कहीं से कोई संदेह और कोई मिलता है तो बताना चाहिए ना। नहीं सर, सवाल लेकिन नहीं, 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 नहीं सर, सवाल ये है कि नहीं आप गलत है। नहीं सर, आप कहते हैं डिटेक्शन करते हैं, नहीं आप कहते हैं कि डिटेक्शन है, आप प्रिवेंशन क्यों नहीं करते हैं? आप इस तरह से प्रिवेंशन क्यों नहीं करते हैं? आपके मत करिए, आपके आपके सरकार का इंपॉल काम कर रही है, आपके पुलिस वाला अगर अपने काम को नहीं निभाता है उस पर भी कार्रवाई होती है। आप सर, आपकी सरकार का इकबाल कहाँ है? पहले क्या होता था? पहले भी यही होता था जो आज हो रहा है। क्या था 2005 के पहले? क्या था सर? पहले भी यही था जो आज है। सर, आप पहले होता था? आपकी बैठक का फलाफल क्या है? आपकी बैठक का फलाफल क्या है? पूरे बिहार का, पूरे देश का हर साल का फिगर प्रकाशित होता है अपराध के आंकड़े का। बिहार अपराध के मामलों में 23वें नंबर पर है सर। ये लेकिन एक एक चीज फिर भी दुख होता है। आप इसको अगर कितने दिन तक की हत्या हो या क्राइम रुक क्यों नहीं रहा है? आप जानते हैं हत्या करने वाले पर कितनी कार्रवाई होती है, और उसके लिए कानून बना हुआ है और कोर्ट से भी उनको होगा, और इसके बारे में पूरी जानकारी इस पूरा पुलिस कर रहा है और जाएगा, और इसका स्पीडी ट्रायल कराने का इंतजाम किया जाएगा, ताकि कोई भी जो इसके लिए जिम्मेवार होगा, जो भी इसका लिए अपराधी होगा, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई तत्काल हो। सर, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में कहते हैं कि आपके शासनकाल में अपराध बढ़ा है। उसको जो आश्वस्त किया है कि पूरे तौर पर एक एक तरफ से लगा हुआ है, यहाँ का SP से लेकर के IG से लेकर के और टीम बना करके लगे हुए हैं। तो एक बात तो है, अब अपराध हुआ है तो लेकिन और लोगों को भी जरूर इसके बारे में असेसमेंट करना चाहिए कि अपराध किसी का भी होता है तो कौन से कारण से किया है, तो इन सब चीजों के बारे में अगर पता हो, क्योंकि और आप अच्छी तरह जान लीजिए, आप अच्छी तरह जान लीजिए, जरा जा करके दूसरे राज्यों में भी चले जाइए। मैं आपसे कोई बात कर सकता हूँ? आप कितने महान व्यक्ति हैं और आप किसके समर्थक हैं? मैं आपको डायरेक्ट पूछ रहा हूँ, आप जो जो जिनको राज मिला 15 साल तक पति पत्नी के राज में इतना अपराध होता रहा, आप उसको नहीं हाईलाइट कर रहे हैं? आप करिए, आप क्या है भाषण दे रहे हैं? आप बताइए, आपका कोई भाषण नहीं दे रहे हैं? आपका इकबाल बचा है? आजकल आजकल आपका इकबाल बचा है? बारे में कोई भी किसी चीज के बारे में जो लोग बोलते हैं एक एक चीज पर एक्शन लिया जाता है। सर, सीआरपी का बेटा है, आप का रेप करके जिंदा जला दिया जाता है? आप सरकार है, आप उन पर भी जरा ध्यान दीजिए। बच्ची का रेप करके जिंदा जला दिया जा रहा है, कहीं ऐसा न हो कुमार बच्ची का रेप करके जिंदा जला दिया जा रहा है बिहार में। और इसका भी पता करिए कि क्राइम कौन करता है, पुलिस वाले को पता चलता है। आपके शासनकाल में अपराध बढ़ा है, सख्त कार्रवाई करने के लिए जो भी उसको अधिकार है, कानूनी अधिकार है, उसके हिसाब से काम करेंगे। और हम लोगों ने पूरे तौर पर कहा है जल्दी और पूरी शक्ति से इंक्वायरी।